Find the wavelength of light of frequency 10 raised to 15 hertz in water having refractive index 4 by 3. We have to find wavelength. We know the formula V equals to nu lambda, and wavelength will be speed of light divided by frequency. But this speed is speed in the water. तो वाटर में स्पीड को कैसे लिख सकते हैं? C by mu. जहाँ पर C है वैक्यूम में स्पीड और म्यू है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. V equals to C by mu. ये आपको ध्यान रखना चाहिए. किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. बस वैल्यूज पुट कर दें. C की वैल्यू 3 इंटू 10 रेस टू 8, म्यू की वैल्यू वाटर के लिए 4 बाई 3, और फ्रिक्वेंसी हमें दे रखी है लाइट की 10 रेस टू 15. तो हो जाएगा हमारे पास 9 बाई 4 इंटू 10 रेस टू माइनस 7, और ये मीटर में आ गया हमारे पास. अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहते हैं तो 9 बाई 4 इंटू 10 रेस टू माइनस 7 इंटू 10 रेस टू 10 एंगस्ट्रॉम. तो हो जाएगा हमारे पास 9000 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना. तो जो भी आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में वही हमारा आंसर होगा वेवलेंथ.